हिंदू धर्म ग्रंथों के ऐसे पराक्रमी महादेव के 11वें अवतार महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? इसे लेकर साफ साफ कोई वर्णन नहीं मिलता। पुराणों में वर्णन है कि हनुमान पवन पुत्र थे, उनकी माता का नाम अंजना था। माता अंजना ने 108 वर्षों तक दंडकारण्य के जंगलों की एक गुफा में महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। माता अंजना की तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और हनुमान के रूप में अवतार लिया। हम सफर कर रहे हैं नासिक का, वहां से हम अंजनेरी पर्वत जाएंगे जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। अंजनेरी पर्वत पर जाने के समय हमें मिलेगा त्र्यंबकेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से मौत को भी मात दी जा सकती है। तो चलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री त्र्यंबकेश्वर को 10वां स्थान दिया गया है। इस मंदिर में 3 लिंग विद्यमान हैं और त्र्यंबकेश्वर मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ विराजित हैं। मंदिर 3 तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार। माना यह जाता है कि ब्रह्मगिरी भगवान शंकर का ही दूसरा रूप है। मंदिर की गलियों से निकलकर हमारी मंजिल अब अंजनेरी पर्वत है। हनुमान जन्म स्थान के दावे को परखने के लिए और अंजनेरी में बाल हनुमान के सबूतों को देखने के लिए हम उस तरफ रवाना होते हैं। हमें बताया गया कि त्र्यंबकेश्वर से वो स्थान करीब 6 किलोमीटर दूर है। हम रवाना होते हैं। यहाँ हमारी नजर एक बोट पर जाती है। ये अंजनेरी का बोट है। त्र्यंबकेश्वर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर पर है अंजनेरी पर्वत और अंजनेरी पर्वत की शुरुआत जो होती है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक हाईवे पर स्थित इस अंजनेरी तीर्थ के साइन बोर्ड से शुरू होती है। आपको दिखाना चाहेंगे ये साइन बोर्ड जो इशारा कर रहा है कि 300 मीटर पर यहाँ से अंजनेरी पर्वत की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि अंजनेरी पर्वत जहाँ अंजनी माता ने 108 साल तक भगवान शिव की घोर तपस्या की जिसके बाद जाकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और अंजनी माता को आशीर्वाद देते हैं पुत्र रत्न की प्राप्ति के रूप में, जहाँ पर हनुमान जी का जन्म होता है। तो अंजनी तीर्थ पर हम पहुँच चुके हैं जो हाईवे पर मौजूद है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ जो हमें ले जाएगा उस स्थान पर जहाँ पर माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। इस जगह पर हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति है। जिसमें वो अपने आराध्य भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। एक दूसरी मूर्ति में हनुमान जी बाल रूप में मौजूद हैं। तो क्रोध में आके दुर्वासा ऋषि ने अंजनी माँ को शाप दिया था कि आपका ये जो सुंदरता है, आपका रूप है, ये नष्ट हो जाएगा। आप वानर योनि में जन्म लोगे और पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करोगे। अंजनी माँ ने काफी क्षमा याचना की, मगर ऋषि के निकले हुए शाप तो वापिस नहीं आ सकते। तब ऋषि ने उनको उस शाप दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, 11 बार रुद्र आपके गर्भ से अवतार लेगा, आपके किसी अच्छे कारण ही ये दिया हुआ है, आप शिवजी की आराधना कीजिए, इससे आपको शाप से मुक्ति का रास्ता मिलेगा। इस जगह पर News24 रिपोर्टर दीपक दुबे को एक विचित्र बात पता चलती है। कुछ साल पहले मंदिर में हवन हो रहा था, तब लोगों ने अपनी आँखों से देखा कि हवन कुंड की अग्नि में साक्षात बजरंग बली मौजूद है। इसे एक दो लोगों ने नहीं बल्कि कई लोगों ने देखा। अग्नि के अंदर हनुमान जी का ये ललाट है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, पूरा सिर है, ये पूरा हवन कुंड जो बना हुआ है इसमें बैठे हुए हनुमान जी की आकृति दिखाई देती है। अंधेरे की वजह से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। इसी क्षेत्र में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इस स्थल पे ये यज्ञ हुआ था,
और इस तरीके से हनुमान जी की मूर्ति जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। हवन कुंड की अग्नि में साक्षात हनुमान के दर्शन की बात पर हमें यकीन नहीं हुआ तो लोगों ने इस तस्वीर को अपने मोबाइल में दिखाना शुरू किया। बाकायदा उस घटना की लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। अभी कुछ किलोमीटर सफर के बाद हमारी टीम उस गुफा तक पहुंचेगी जिसके बारे में दावा होता है कि वहां मौजूद गुफा में माता अंजना ने हनुमान को जन्म दिया था। आपको बता दें कि त्र्यंबकेश्वर से अंजनेरी जाने के लिए 3 पहाड़ियां पार करनी पड़ती है। अब तक हम 1 पहाड़ी को कार से पार कर चुके हैं। कुछ दूर और चलने के बाद हमारी कार एक गांव के कच्चे रास्तों पर जाकर रुक जाती है। हमारी टीम को बताया जाता है कि अंजनेरी गुफा तक जाने के लिए अब हमें पैदल चलना होगा। ये दूरी करीब 3 किलोमीटर की है जिसे 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद पूरा किया जा सकता है। अंजनेरी गुफा की समुद्र तल से ऊंचाई 4000 फीट है। आगे चढ़ाई मुश्किल है, रास्ता पथरीला है, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तभी हमारी नजर एक बोर्ड पर जाती है जिधर रास्ता दिखाया जाता है। हमारी टीम उधर चली जाती है। विष्णु पुराण, नारद पुराण और शिव पुराण में इसी अंजनेरी गुफा का जिक्र है जहां पर हनुमान जी ने जन्म लिया था और इसी जगह पर माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और इसी जगह पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि भगवान हनुमान को शिव का अंशावतार बताया जाता है। अंजनी माते के बारे में ये प्राचीन सबूत हैं कि ये गुफा हैं, यही उनकी तपोभूमि मानी जाती है, ये उनकी मूर्ति हैं कि ये ध्यान के रूप में बैठी हुई हैं, तो यही उन्होंने तपस्या की हुई थी। और दूसरी बात, जो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी आन के जो प्रसाद दी थी, यही खिड़की बनी हुई है छोटी, यही पत्थर लगे हुए हैं, वहीं से उनको दीक्षा दी थी। तो हनुमान जी ये कोक में यही जगह में समा गए। वैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि देश में करीब दर्जन भर जगह पर हनुमान जन्मस्थान का दावा होता है। ऐसे में हमारे सामने सवाल है कि आखिर अंजनेरी की गुफा में ऐसा क्या खास है जिससे हनुमान जन्मस्थान को लेकर यहाँ का दावा सबसे मजबूत समझा जाता है। ये सच्चाई है या सिर्फ फसाना? पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए छलांग लगाई थी तो उस वक्त सुबह का वक्त था, यानी कि सूर्य पूर्व की दिशा से निकल रहे थे। ऐसे में जब हम इस सरोवर तालाब को देख रहे हैं और जो मान्यताएं हैं कि सरोवर तालाब जो ये बना हुआ है वो हनुमान जी के पैर के निशान की वजह से बना हुआ है, यानी कि जब सूर्य निकल रहे थे तो और तो पूरब की तरफ से निकल रहे थे। तो हम अगर इस कैंपस के ज़रिए ये जानने की कोशिश करें कि वाकई में ये पूर्व की दिशा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूर्व की दिशा है, यानी कि कैंपस के माध्यम से भी यह सिद्ध हो रहा है कि जैसा कि पौराणिक कथाओं में लिखा गया है या लोगों की मान्यता है कि पूर्व से निकलने वाले सूरज की तरफ हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, तो यह बात यहाँ पर सिद्ध होती है। करीब 3.5 घंटे की चढ़ाई के बाद हम आ पहुंचे हैं अंजनेरी पर्वत के शिखर पर। लंबा वक्त लगा हमें ऊपर तक पहुंचने के लिए, बीच बीच में हम थक कर बैठ भी गए, लेकिन कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लेते जाएं तो रास्ता सरल होता जाता है, और यही वजह है कि हम अब आ पहुंचे हैं एकदम पर्वत के शिखर पर और सामने अब हमें नजर आ रहा है हनुमान जी का वो जन्म स्थल जहाँ पर हनुमान जी ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था। बस महज कुछ 100 मीटर बचे हैं और यहाँ से हमें नजर आ रहा है हनुमान जी का वो जन्म स्थल, वो मंदिर। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव की ओर। माता अंजनी ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या इसी गुफा में की हुई थी। आपको ये दिखाते हैं जो हमारे दाहिनी साइड में जो आपको मूर्ति नज़र आ रही है, ये मूर्ति है माता अंजनी की।
माता अंजनी यहाँ पर लगातार तप करते हुए इसमें नज़र आ रही हैं। हालांकि ये जो गुफा आप देख रहे हैं ये काफ़ी छोटी है और मान्यता ये है कि उस वक्त जो भी गुफाएं बनाई जाती थी वो तप करने के हिसाब से बनाई जाती थी। मच्छिंद्रनाथ गुरु जी इन्होंने 12 सालों तक जो बीच मूर्ति है इन्होंने यहाँ पर तपस्या की हुई थी और आपको हनुमान जी भी हमारी बाईं साइड में नज़र आ जाएंगे। हनुमान जी के उस मंदिर में जहाँ के लिए ये कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ। आपको दिखा दें ये प्राचीन मंदिर है और ये कहा जाता है कि अंजनी माता जी ने यहीं पर हनुमान जी को जन्म दिया था। आपको बता दें ये जो पूरी मूर्ति आप देख रहे हैं ये काफ़ी प्राचीन है और यह माना जाता है कि ये उस वक्त यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ। और आपको दिखा दें कि सबसे पहले जो मूर्ति आपको सामने नज़र आएगी माता अंजनी हनुमान जी को अपने सीने से लगाए हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो माता बंदर की होती है जिस तरह से अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है तो माता अंजनी ने भी अपने बाल हनुमान को अपने सीने से लगा कर रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दें यहाँ पर ये भगवान शंकर का त्रिशूल भी आपको नज़र आ जाएगा। ये इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी का जो जन्म हुआ वो शंकर जी का उन्होंने यंशावतार भी माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ पर भगवान शंकर का त्रिशूल भी मौजूद है। यहाँ पर आने वाले जो भक्तगण हैं उनकी ये मान्यता है कि यहाँ पर जब वो दर्शन करने आए और एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर वो रखकर चले जाते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो बजरंग बली पूर्ण कर देंगे। और यही वजह है कि इस तरह के जो पत्थर होते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर जो भक्त हैं वो रखकर जाते हैं और मान्यता जो ये है कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं जो भगवान से वो मांगेंगे भगवान जी उनकी सुन लेंगे। हालांकि हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। यहाँ पर तालाब यहाँ की गुफाएं और स्वयंभू मूर्तियां इस बात का प्रतीक हैं कि हनुमान जी ने इसी पर्वत पर जन्म लिया था। लेकिन कईयों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म या फिर कर्नाटक या फिर बिहार में हुआ था। लेकिन सच्चाई जो भी हो अगर मान्यताएं हो और सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी स्थान विशेष स्थान के रूप में परिवर्तित हो जाता है।